लग रहा है। सभी सूक्ष्म में मधुबन में पहुंच गए हैं और थैंक्स अपनी हंसा बहन को जिसने हम सबको आज इकट्ठा किया है, इतनी मेहनत किया है, एक एक को लाइन पर ला करके सबको मधुबन की पावन भूमि में पहुंचने का सूक्ष्म रीति से प्रयास किया है। साथ ही हमारी वैशाली बहन, हमारे हेमा बहन, जो भी अलग अलग स्थानों की बहनें भी आज इस गैदरिंग में है, आप सबका भी बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बाबा ने इन साइंस के साधनों के माध्यम से भी हम सभी को कहीं पर भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हाँ हम बाबा के साथ जुड़े नहीं हैं, और ये ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, है ना। ऐसा मधुबन वालों से भी कितनी बार आप लोगों की मुलाकात अलग अलग भाई बहनों से हुई, और इसीलिए बहुत खुशी होती है कि हाँ कि बाबा ने ड्रामा में ऐसा सीन लाए जिससे हम सब एक छत्र छाया के नीचे आ गए। देश विदेश अलग नहीं रहा, एक ही छत्र छाया के नीचे आ गए, और जब मर्जी आए जो भी क्लास सुनना चाहे, मधुबन का क्लास सुनना चाहे, किसी विशेष महारथी भाई बहनों का क्लास सुनना चाहे, तो इजी हो गया ना। ना कोई प्लेन का खर्चा, सारे खर्चों से भी बच गए और सब कुछ सहज उपलब्ध हो गया। तो इसीलिए थैंक्स ये विज्ञान को भी और थैंक्स बाबा को भी। साथ ही साथ आज हंसा बेन ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, 84 जन्म की कहानी। और जब 84 जन्म की कहानी हम कहते हैं तो ये 84 जन्म की कहानी वास्तव में कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे लॉन्ग लॉन्ग अगो, मुरली में भी ये बात आती है। वास्तव में तो बाबा हम बच्चों को साकार मुरली में प्रतिदिन 84 जन्म की कहानी एक बार तो जरूर घुमा देते हैं, पूरा चक्र घुमा देते हैं शॉर्ट में ही। लेकिन आज इस 84 जन्म की कहानी का जो चक्र है उसको हम बहुत डिटेल में, और आप सबके भी जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न को भी लास्ट में हम जरूर लेंगे। लेकिन जब इसको हम कहते हैं 84 जन्मों की कहानी, तो दो तरीके से हम ये 84 जन्म की कहानी कहते हैं। ये दो तरीके कौन से हैं? तो दो तरीके हैं। पहला जिसको हम कहते हैं कि जन्मों की कहानी है, और दूसरा कर्मों की कहानी है। जन्म और कर्म इंसान का किस रीति से होता है उसकी ये सारी सीढ़ी जो है कहानी के रूप में दर्शाई जाती है। सबसे पहले तो मनुष्य जो अनेक रूप से ये समझते आए शास्त्रों के अनुसार कि इंसानों को या आत्मा को अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। वास्तव में इस बात को हम अच्छे तरह से देखेंगे कि हमें अनेक योनियों में जाना नहीं पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा 84 लाख योनियां जरूर हो सकती है संसार के अंदर, छोटे छोटे जीव मकोड़े जीव जंतु कीड़े हाँ सबको अगर मिला दे तो 84 लाख योनियां जरूर होगी। लेकिन मनुष्य आत्मा को ये सभी योनियों से गुजरना नहीं पड़ता है। हाँ ये जरूर है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे
क्वालिटी का जन्म जरूर मिलता है, लेकिन मनुष्य जन्म में ही वैसी क्वालिटी का जन्म मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें कि मनुष्य आत्माओं को सभी योनियों में नहीं जाना पड़ता है। क्यों नहीं जाना पड़ता है? पहली बात कि अगर सारी योनियों में जाए और फिर लास्ट में जब मनुष्य योनि प्राप्त हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहते हैं कि हर योनि में घूम 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 करके अपने कर्मों का फल भोग करके फिर लास्ट में मनुष्य योनि मिलती है। अब इस तरह से अगर सारा घूम घूम करके फिर लास्ट में मनुष्य योनि प्राप्त हो तो कर्मों का सिद्धांत ही समाप्त हो जाए। कैसे? क्योंकि अगर हमने दूसरी योनियों में क्यों गए तो कहा कर्मों का फल भोगने के लिए। अगर सारे कर्मों का फल भोग करके लास्ट में जब मनुष्य योनि में आते हैं तो फिर हर रीति से परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन आज जन्मते ही कोई लूला लंगड़ा अंधा बहरा है, ये कौन से कर्मों का फल है? अगर कहे पिछले कर्मों का फल है तो वो तो भोग के आए, अब कौन सा बाकी रह गया? जब सारे भोग करके लास्ट में मनुष्य योनि प्राप्त हुई तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए, वो कहां है? इसीलिए कहा कि कर्मों की फिलॉसफी ही समाप्त हो जाए। दूसरा, सारे एक जैसे होने चाहिए, फिर तो सभी गोल्डन स्पून इन माउथ। क्योंकि अगर सारे कर्मों का फल भोग के आए दूसरी योनि में तो मनुष्य योनि में आते ही हर कोई परफेक्ट होना चाहिए, सभी गोल्डन स्पून इन माउथ होने चाहिए। फिर यह ऊंच नीच हो ही नहीं सकता है कि कोई बहुत अच्छे घर में जन्म लिया, कोई बच्चे स्ट्रीट पर जन्म लेते हैं, दूध भी नसीब नहीं होता है। तो इसीलिए ये फिलॉसफी यहां समाप्त हो जाती है। दूसरा, हम ये समझे क्यों कि जानवर योनि ही भोगना की योनि है? नहीं, जानवर योनि कोई पनिशमेंट की योनि नहीं है। कई समझते मनुष्य ने बुरे कर्म किया उसका पनिशमेंट के रूप में उसको जानवर योनि में जाना पड़ता है। हम ये क्यों समझे कि जानवर योनि पनिशमेंट योनि है? आज एक कुत्ते को देखो, मोटर गाड़ी बंगले में घूम रहा है, विदेशों में तो बिल्लियां भी मोटर गाड़ी बंगले में घूम रही है, दूध ब्रेड खा रही है, कहां है कोई प्रकार का दुख दर्द? कौन सी पनिशमेंट है उनको? कोई पनिशमेंट नहीं है। और मनुष्य को देखो, भोगना की योनि पनिशमेंट की योनि मनुष्य योनि है या जानवर योनि है? मनुष्य योनि में जितनी पनिशमेंट है उतनी जानवरों को नहीं है। क्यों? क्योंकि जानवरों को अगर पनिशमेंट मिलती भी है, ओनली फिजिकल, लेकिन मनुष्य को तो इमोशनल। आज जो लोग दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस में है, ये इमोशनल है या नहीं? तो मनुष्य को खाली फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है, मेंटल भी है, और सोशली भी। कोई अगर उसको अब्यूज करता है तो सोशल भी है। तो चारों तरफ से मनुष्य को तो पनिशमेंट मिलती है अपने कर्मों की सजा के रूप में, जानवरों को खाली फिजिकल मिलती है। बहुत बहुत तो कभी कोई बहुत इमोशनल प्राणी हो तो बात अलग है, जो भावनाओं को समझता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छे घर में पला हुआ ट्रेंड कुत्ता होता है तो इमोशनली वो अपने मालिक की जो फीलिंग्स है उसको भी महसूस करता है बस, लेकिन फिर भी उसको भोगना नहीं होती है जैसे मनुष्य को होती है।
मनुष्य की भोगना चार रूप से है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल। लेकिन आज जानवरों को तो भोगना की योनि कौन सी हुई? मनुष्य योनि हुई या जानवर योनि हुई? आज तक हमने कभी सुना नहीं कि कोई जानवर ने सुसाइड कमिट किया। मनुष्य कितना भोगना में त्रस्त हो जाता है, एकदम जैसे भर असहनीय जब हो जाता है तो सुसाइड कमिट करता है। तो इसीलिए कहा किसको भोगना की योनि कहेंगे, जानवर की या मनुष्य की? तीसरी बात कि जब कई बार लोग समझते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जानवर योनि में जब जाते हैं, जैसे मान लो किसी ने चोरी का काम किया तो कहते उसको बिल्ली की योनि मिलती है, बिल्ली चोरी करके दूध पीती है, चोरी करके अपना खाना चुरा करके खाती है, कोई ना देखे उस रीति से। या किसी ने हिंसा का कर्म किया तो कहते उसको वाघ बनना पड़ता है, सिंह बनना पड़ता है, हिंसक योनि में जाना पड़ता है, जहां उसका सारा गुजरान ही हिंसा के माध्यम से चलता। अब ये भी अगर देखा जाए तो ये फिलॉसफी भी कंप्लीटली रूल्ड आउट हो जाती है। कैसे? कि अगर मानो मैंने हिंसा का कर्म किया इसलिए मुझे हिंसक योनि मिली, वाघ या सिंह बनना पड़ा, तो वहां मेरे हिंसा के संस्कार बढ़ेंगे या कम होंगे? जो कर्म ही हमारा जीवन है तो वहां तो हिंसा के संस्कार और बढ़ेंगे तो कम कहां हुए, वहां उसको हिंसा करने में और आनंद आ रहा हो। तो कर्मों का फल कैसे हुआ? और उसके बाद जब मनुष्य योनि में अगर आए तो वहां वो हिंसा का संस्कार और दृढ़ हो करके आएगा या खत्म करके आएगा? इसीलिए अगर देखा जाए कि ये फिलॉसफी भी कंप्लीटली रूल्ड आउट हो जाती है कि मनुष्य अगर बुरे कर्म करे और उस बुरे कर्म के हिसाब से उसी योनि में उसको जाना पड़े तो फिर तो उसके संस्कार और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल, कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। ऐसा ही हो गया जैसे मान लो कि बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि आजकल दुनिया में जेल बर्ड्स बहुत है। जेल बर्ड्स उसको कहते हैं जो बुरा कर्म करता है बाहर, उसको जेल में जाना पड़ता है, जेल से छूटता है फिर जानबूझ के बुरा कर्म करता है ताकि मुझे फिर जेल में जाना पड़े, क्योंकि जेल में आराम से खाना पीना मिलता है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, आराम से बैठ करके भोजन करो अपना। तो इसीलिए बाबा कहे कि अगर मान लो कि लोग बुरा कर्म कर रहे हैं और उसके फल स्वरूप उसको वही योनि में जाना पड़े जहां उसके संस्कार और दृढ़ बने, तो फायदा क्या हुआ? रियलाइजेशन कहां है? सजा उसको कहा जाता है, पनिशमेंट उसको कहा जाता है जहां इंसान को रियलाइजेशन हो ये बुरा कर्म था, ये नहीं करना चाहिए था, और फिर अपने आप में इतना डीप रियलाइजेशन हो उसको और अपने आप से दृढ़ संकल्प करे कि आगे से मुझे ये काम नहीं करना है, और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तब कहेंगे कि हाँ उसको अपने उसने अपने कर्मों का फल चुका दिया और रियलाइजेशन से उसमें परिवर्तन आ गया। तो वो रियलाइजेशन जानवर योनि में तो नहीं होगी। इसीलिए बाबा की जो फिलॉसफी है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है तो उसका फल उसको मनुष्य योनि में ही रह करके चुक तो करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही उसको रियलाइजेशन होता है। और इसीलिए मनुष्य जब अपने कर्मों का फल भोगता है तो कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म का फल
आज भोग रहा हूं, है ना, रियलाइजेशन हो रहा है ना उसको। तो ये रियलाइजेशन जानवर योनि में नहीं होता है। एक बार यहां पर एक जज आए थे, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज था। उसने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बहुत अच्छी बात ये सुनाई कि जैसे हम लोग जजमेंट कैसे देते हैं, तो उसने कहा हमारे सामने कोई भी क्रिमिनल आता है तो उस क्रिमिनल की सुनवाई होती है कि भाई उसने क्या क्या काम किए, कौन से बुरे काम किए, और सारे उसके प्रूफ्स जो होते हैं उस प्रूफ्स के आधार पर हम उसको जजमेंट दे देते, पनिशमेंट दे देते हैं कि भाई ये चोर है, इस चोर के हिसाब से उसको 6 महीना जेल। एक खूनी है, अब वो खूनी उसने खून किस किस कंडीशन के अंदर किए उस अनुसार या तो उसको आजीवन कारावास मिलता है, लाइफ प्रिजनमेंट मिलता है, या फिर उसको मौत की सजा, फांसी की सजा मिलती है, या फिर उसको अगर अपनी रक्षा के लिए उसने किया है तो कुछ समय जेल होकर के उसको छोड़ दिया जाता है। अब का हमने सोचा कि हमने न्याय कर लिया और हमने बहुत अच्छा न्याय किया, ये हम समझते हैं। लेकिन एक चोर को उसी सेल में भेजा जाता है, जेल में भी उसी सेल में भेजा जाता है जहां और चोर होते हैं। एक खूनी को वही भेजा जाता है जहां और खूनी होते हैं। अब लाइक माइंडेड जब मिलते हैं, तो उनके आपस में बातचीत क्या होती है, एक तो फ्रेंडशिप हो जाती है, चलो एक और भाई आया हमारा, खुशी होती है। फिर उसके साथ बैठते पूछते हैं, भाई क्या हुआ तेरा, तू कैसे पकड़ा गया, क्या चोरी की तुमने। लाइक माइंडेड मिलने लगते हैं तो वही बातें होती है चोरी की। अब चोरी की बातें कर रहे हैं कि भाई मैं ये चोरी करने गया, अब पकड़ा गया, तो दूसरा उसको टेक्निक सिखाता है, तुमने ऐसा किया ना इसलिए पकड़ा गया, ये करता था ना तो नहीं पकड़ा जाता था। तो वो जेल में सुधरने के बजाय, रियलाइजेशन के बजाय, परिवर्तन होने के बजाय वो और टेक्निक सीखता है। अंदर एक गैंग फॉर्म होती है उनके आपस में, और गैंग फॉर्म होने के बाद जो है वो जब बाहर निकलते हैं तो इतने बड़े गुनाह करते हैं जो कभी पकड़े नहीं जाते हैं। तो जेल में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, बोले ये हम लोगों का जजमेंट है। क्या भगवान का जजमेंट भी ऐसा ही होता है कि आज अगर मनुष्य ने बुरे कर्म किए उसको वही योनि मिल जाए जहां उसके संस्कार और दृढ़ बने, तो उसको फल कहां मिला। इसीलिए भगवान का ये तरीका नहीं है। आज जिसको भी देखा जाए तो मनुष्य योनि की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कहां से आत्माएं आ रही है। आज मनुष्य जितना पाप कर्म कर रहा है ना उतना पुण्य कर्म तो नहीं कर रहा है। अगर ये मनुष्य जितने पाप कर्म कर रहे हैं सारे अगर जानवर योनि में ट्रांसफर हो जाए तो मनुष्य की पॉपुलेशन कितनी होगी, सोचने की बात है। बहुत कम हो जाएंगे। खाली जो ऊपर से नीचे आत्माएं आती है वही होनी चाहिए, वो तो बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि सारे तो जानवर योनि में ट्रांसफर हो गए। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है दुनिया के अंदर, यही बताता है कि मनुष्य आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए कोई जानवर योनि में नहीं जाता, मनुष्य योनि में ही वापस आता है। इसीलिए इतना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और ये नहीं कि खाली मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जानवरों का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले रास्ते पर स्ट्रीट डॉग इतने नहीं थे इंडिया में जितने आज है। तो उसको भी अपने कर्मों का फल अपनी योनि में मिलता है।
है ना। हाँ, कुछ कुछ जानवर जो है एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे मनुष्य योनि में आ गए इसलिए एक्सटिंक्ट हो रहा है, नहीं, उनकी प्रजाति इसीलिए एक्सटिंक्ट हो रही है क्योंकि जन्म देने वाले वो है ही नहीं ज्यादा, इसलिए एक्सटिंक्ट। लेकिन वो आत्माएं वातावरण के अंदर तो है, जिस तरह मनुष्य आत्माएं कहीं शरीर न मिलने पर भटकती है, ऐसे जानवरों की आत्मा को भी जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसको शरीर न मिलने के कारण वो भी भटक रही है ना। लेकिन हाँ, वो कोई किसी में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए किसी में प्रवेश करके उसके शरीर का आधार लेकर के उसके द्वारा भी अपने कर्मों को सेटलमेंट करने का प्रयास करती है। एक बार किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, चलो मनुष्य तो मनुष्य बनता ही है ये बात समझ लिया, लेकिन क्या ये जानवरों को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मनुष्य बने? मैंने उनको पूछा, आपको कभी मन होता है मैं जानवर बनूं? भगवान अगर आपको आकर के कहे कि चल मैं तुझे ये दुनिया में तुम बहुत दुख भोग रहा है इसलिए तेरे अगले जन्म में तेरे को जानवर बना दूं, तो क्या कहेगा? बहुत दुखी व्यक्ति, बहुत दुखी व्यक्ति, दुख से छूटना चाहता है। और भगवान उसके सामने प्रसन्न हो जाए और भगवान उसको कहे कि चल तुमने बहुत दुख भोगा मनुष्य योनि में, अब तेरे को कोई जानवर बना देता हूं, कोई कीड़ा मकोड़ा बना देता हूं, मनुष्य पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, जब आपको मन नहीं होता है कि मैं जानवर या कीड़ा मकोड़ा बनूं, तो उनको कैसे मन होगा कि मैं मनुष्य बनूं? का वो भी तो आत्मा है ना, उसको मन नहीं होता होगा। मैंने कहा कि एक बार एक कार्टून आया था कि तीन बंदर आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो पहला बंदर कहता है, सुना है कि मनुष्य कहता है वो हमारी वंशज है। डार्विन की थियरी कहते हैं ना कि बंदर से मनुष्य बना। तो कहा पहला बंदर कहता है कि सुना है कि ये है कि वो हमारी वंशज है। तो दूसरे बंदर ने कहा, क्या कहा? मनुष्य सुधर गया, अच्छा हो गया। तो तीसरे बंदर ने कहा, मैं तो उसको कभी अपने वंशज के रूप में स्वीकार न करूं, इतना बड़ा कटाक्ष था मनुष्य के ऊपर कि आज बंदर भी हमें अपने वंशज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुधर गया? दूसरे ने पूछा, सुधर गया क्या जो ये कहता है कि ये हमारी वंशज है? और तीसरे ने जब कहा कि नहीं, मैं तो उसको कभी अपनी वंशज के रूप में स्वीकार न करूं, भाव ये था उसका कि आज हम एक दूसरे के, हम बंदर जो है ना, भले लड़ते होंगे आपस में, लेकिन एक दूसरे का खून नहीं करते हैं। The monkeys might quarrel between themselves, but they still don't kill each other. But as humans, we take our quarrel to the next level, where a son can kill his own father. स्वीकार करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं। अब सोचो कितनी बड़ी कटाक्ष, कितना बड़ा एक कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति पर कि मनुष्य इतना गिर चुका है अपने वैल्यूज से
और ये तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि जब माउंट जाते हैं ना नीचे से शांतिवन से, जब हम माउंट आबू जाते हैं पांडव वन या ज्ञान सरोवर, रास्ते में बहुत बंदर आते हैं। तो एक बार हमने देखा कि एक ट्रक आ रही थी सामने से, और ट्रक आ रही थी, बंदर उछल कूद कर रहे थे। तो उछल कूद करने में ट्रक इतनी फास्ट थी कि बंदर का वो कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया और उसी समय जंप किया उसने, और वो ट्रक भी आई तो ट्रक ने एकदम ट्रक के साथ उसका सर टकराया और एकदम साइड में जाकर के गिर गया, बेहोश हो गया। जैसे ही ट्रक तो चली गई और मेरे मुख से निकला, अरे बेचारा बंदर मर गया लगता है। हम थोड़ा खड़े रहे, उतने में हमने क्या देखा, सारे बंदर उछल कूद करके वहां पहुंच गए, सारे पहुंच गए उसके आसपास। रास्ते पर पड़ा था, कहीं दूसरा कोई व्हीकल आकर के उसके ऊपर से चला न जाए, उन्होंने खींच करके उसको साइड में कर दिया। ये बंदर साइड में कर दिया और बेहोश होगा, क्योंकि मरा नहीं था, बेहोश था। तो सब आसपास बैठे रहे जब तक उसको होश आए, और जैसे ही होश आए सब खुश हो गए। लेकिन उसको खींच करके साइड में कर दिया बंदरों ने, ताकि कोई दूसरा व्हीकल उसके ऊपर से चला ना जाए। और इसी तरह हम पालनपुर जा रहे थे, आबू से पालनपुर जा रहे थे, रास्ते में एक ट्रक जो था हमारे आगे चल रहा था। अब हाईवे है, फुल स्पीड पर गाड़ी तो होती है, 100 की स्पीड पर होती है, और अचानक उसका इंजन बंद पड़ गया आगे ट्रक जो चल रही थी, तो और हमारी फुल स्पीड थी तो सीधा अंदर जाकर के घुस गई ट्रक के अंदर गाड़ी, पूरा गाड़ी देखो स्मैश हो गई, है ना, स्मैश होकर के जो है हमारे सारा कांच आगे की विंडस्क्रीन टूट करके गिर गए। सब अच्छा हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई। हम लोग बाहर निकल आए, और जैसे ही बाहर आ गए, हमारे साथ और भी दो बहनें थी, बाहर आ गए हम लोग खड़े थे, लोग वहां से गुजर रहे थे, दूसरी गाड़ी वाले देख रहे थे ब्रह्मा कुमारी बहने, लेकिन कोई ने खड़ा होकर के सब अंदर से यही कह, चलो चलो फंसना नहीं है, फंसना नहीं है भाई। कोई पूछे कि आप लोगों को कोई हेल्प की आवश्यकता है या किसी को लगा तो नहीं है, हम हॉस्पिटल पहुंचाए, ये मानवता, ये ह्यूमैनिटी नहीं रही है। हमसे तो वो बंदर अच्छे हैं, इसलिए कहा कि ये बंदर आपस में बात कर रहे हैं, क्या मनुष्य सुधर गया? और दूसरा कहता है कि मैं तो उसको कभी अपनी वंशज के रूप में स्वीकार न करूं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये हमारा संस्कार नहीं है, है ना, ये हमारे संस्कार नहीं है। इसीलिए कहा कि आज मनुष्य, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर, कि एक कुत्ता जो स्ट्रीट पर था, मतलब हाईवे पर कुत्ते थे, तो एक कुत्ता जैसे ही किसी गाड़ी की उसमें आकर के महा ये हो गया, दूसरे दो कुत्ते आकर के उसको साइड कर दिया, और वहीं एक मनुष्य का बच्चा सुपरमार्केट में घूम रहा था माँ बाप के साथ में, माँ कहीं बिजी हो गई, वो बच्चा अपने आप अकेला निकल करके बाहर आ गया, दुकान सुपरमार्केट के बाहर आ गया और गिर गया। तो एक चाइनीज कोई बच्चा दिखा, तो जैसे गिर गया तो वो टेम्पो वाला आया, बच्चे के ऊपर से चला के ले गया, बच्चा रो रहा है जोर जोर से, इतना जोर जोर से। दूसरा गाड़ी वाला है उसके ऊपर से लेके गया, तीसरा गाड़ी वाला, जब तक उसकी माँ बाहर आए तब तक वो बच्चा एकदम ये हो गया था, लोदड़ हो गया था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई ने उसको मदद नहीं किया। ये मनुष्य है, ये मनुष्य है।
बहुत ये वायरल हुआ था वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर। कहने का भावार्थ जो है, मनुष्य अपने कर्मों की सजा मनुष्य योनि में ही भोगता है, उसको दूसरा आज तक जिसको भी अपना पास्ट लाइफ याद आया, किसी ने ये नहीं बताया कि मैं कोई जानवर से मनुष्य बना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी अगर कोई ले जाते हैं तो भी अक्सर लोगों ने यही कहा, मैं मनुष्य था और मनुष्य योनि में ही मैं वापस आया, मैं फलानी जगह था, फलाने कंट्री में था, फलाने जगह पर था। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मैं जानवर से मनुष्य बना। और इसी तरह एक कुत्ते ने अपने पास्ट लाइफ बताई कि वो भी कुत्ता ही था। अमेरिका की ही बात है कि कुत्ते तो पालते हैं सभी अंग्रेज लोग, तो एक बार अपने कुत्ते को लेकर के जा रहे थे ऐसे ही कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, हस्बैंड वाइफ और वो कुत्ता था बैक सीट पर, तो खिड़की खुली थी, एक फार्म हाउस से गुजर रहे थे हाईवे पर, वो फार्म हाउस था, तो फार्म हाउस से गुजर रहे थे कि अचानक वो कुत्ता इतना भौंकने लगा, इतना भौंकने लगा, और इन लोगों ने जैसे ही सोचा पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक, गाड़ी स्टॉप किया कि खिड़की वो कांच खुला था, उसको कूद करके वो कुत्ता बाहर दौड़ने लगा, सामने फार्म हाउस में दौड़ने लगा। और जैसे ही वहां गया तो एक बूढ़ी माता जी थी फार्म हाउस पर, उसके पास कई जानवर थे, तो जो कुत्ता था वो उसको इतना प्यार करने लगा, वो बूढ़ी माता जी को इतना प्यार करने लगा, इसको लगा पता नहीं किसका किसका कुत्ता है ये। उतने में देखती है वो दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो उसने कहा सॉरी हमारा कुत्ता पता नहीं इधर दौड़ के आ गया गाड़ी में से, सॉरी करने लगे। तो कहा कोई बात नहीं, वो बूढ़ी माता ने कहा कोई बात नहीं। उतने में वो कुत्ता जो है वो फार्म हाउस के पीछे चला गया, और पीछे एक मचान बना हुआ था, वो मचान के ऊपर चढ़ गया और वहां ढूंढने लगा कुछ उस मचान पर। तो वो बूढ़ी माता जी हंसने लगी, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने पूछा आप कुछ जानते हैं क्यों हंस रहे हैं? तो वो बूढ़ी माता जी ने पूछा ये कुत्ता कितने साल का है? तो कहा 4 साल का। तो कहा ठीक 4 साल पहले मेरे पास एक कुत्ती थी, एक कुतिया थी, और ये जो ऊपर ढूंढ रही है ना, वहां उसने अपने बच्चों को रखा था, जन्म दिया था, ये अपने बच्चों को ढूंढ रही है। कहा क्या हुआ था, पूछा उसको, तो कहा उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था वहां मचान पर। अब ज्यादा अक्कल तो नहीं होती है कुत्ते को, तो सारा दिन वो नीचे रहती थी, टाइम होता था वो ऊपर जाती थी अपने बच्चों को फीड करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नीचे रहती थी सारा दिन, तो अचानक वो माता कहती है कि मेरे बेटे को एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से मुझे फोन आया और मैं एकदम घर लॉक करके चली गई, मुझे याद नहीं रहा, वो कुतिया अंदर रह गई और मैं तो चली गई। अब 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा अपने बेटे के साथ, उसका ऑपरेशन हुआ, रहना पड़ा मुझे, तो 2 दिन तक वो अंदर लॉक रही, उसके बच्चे बाहर। और उन्हीं 2 दिन में इतना बर्फ गिरा, इतना बर्फ गिरा, तो मचान के ऊपर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कुतिया के, तो सारे बर्फ से ढक गए और मर गए सारे के सारे। 2 दिन के बाद जब मैं आती हूँ, घर खोलती हूँ, वो तुरंत दौड़ करके जाती है ऊपर, लेकिन ऊपर इतना आइस था, बच्चे सारे ढक गए थे, वो जैसे कुतिया रो रही थी और वो आइस को हटाने का प्रयत्न कर रही थी बच्चों के ऊपर से, और उसमें उसका पैर स्लिप हुआ और स्लिप होकर के जैसे नीचे गिरी, तो नीचे एक एक्स रखा हुआ था, एक्स पर गिर करके वो मर गई थी 4 साल पहले। तो ये कुत्ते ने भी अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं कुत्ता ही था। तो इसीलिए कहा आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मैं कोई जानवर से मनुष्य बना,
नहीं, और जानवर भी अगर यही बताता है कि मैं जानवर ही था, तो ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से अपने जन्मों को प्राप्त करता है। अब कर्म फिलॉसफी के हिसाब से सिद्धांत ये कहता है, लॉ ऑफ कर्म क्या कहता है, जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, ये है कर्म सिद्धांत। जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, है ना? और इसीलिए मनुष्य योनि में रह करके ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। भावार्थ ये कि हमारे कितने जन्म है, साइकिल के हिसाब से अगर हमने देखा कि 5000 साल का साइकिल है, ये एक सीक्रेट भगवान ने रिवील किया है। कई लोग उसके लिए पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या प्रूफ है, कैसे पता चला आपको 5000 इयर्स का साइकिल है, लेकिन दिस इज अ सीक्रेट दैट इज रिवील्ड बाय गॉड। ये भगवान के द्वारा एक रहस्य उद्घाटन किया है, क्योंकि किसी को भी इस संसार में पता नहीं कि ये साइकिल कितने साल का है। इसीलिए बाबा ने आकर के सबसे पहले एक सीक्रेट रिवील किया कि 5000 साल का ये साइकिल है। अच्छा, उसमें जन्म कितने हैं हमारे? आज के मनुष्य का जीवन अगर देखा जाए तो लाइफ स्पेन एवरेज कितनी होंगी आज के युग में, क्या कहेंगे? 50-60 मैक्सिमम, या 65-70 तक जाता है कोई इंसान, मेजॉरिटी को 50 तक तो एक ने हार्ट अटैक आता ही है ना। हार्ट अटैक इतना ये हो गया है, या कोई को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो 50-60 बहुत बहुत तो 70 साल तक जीता है। हमारे पूर्वजों की आयुष्य कितनी थी? हमारे पूर्वजों की आयुष्य 90-100 तक जीते थे। उनके पूर्वजों की आयुष्य कितनी थी? 100-110-115 जीते थे उनके पूर्वजों की, 125 साल तक। उनके पूर्वजों की 150 साल तक। आज इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी आयुष्य कम क्यों हो रहा है? इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स पहले तो नहीं थी, आज इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स के बाद भी आयुष्य कम हो रहा है। थोड़ा बहुत बड़ा 40-50 जो था उसके बदले 10 साल बढ़ा सकते थे, बढ़ा सकते हैं बहुत बहुत, उससे आगे नहीं है उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर व्यक्ति हाँ बेड में लेटा रहे, वेंटिलेटर पर चलता रहे, वो वेंटिलेटर के साधन से उसको हार्ट पंप करता रहता है, बाकी जरूरी नहीं कि वो जिंदा है ही है। इसीलिए कहा, इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स के बाद भी लोगों की आयुष्य कम क्यों है? तो यही कहेंगे कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स के बाद भी मनुष्य भगवान से आगे नहीं जा सका। लोग ये कहते लाइफस्टाइल ऐसी है। आज मनुष्य की एवरेज लाइफ कम क्यों हो गई, लाइफ स्पेन कम क्यों हो गई? इसलिए कम हुई कि लाइफस्टाइल गलत है। फास्ट फूड आ गया है, ये हो गया है, ये 10 कारण बता देंगे लोग। अब लाइफस्टाइल में क्या है? पहले के जीवन शैली में क्या था, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली में ऐसा क्या था? तो कहते हैं फ्रेश ऑक्सीजन था, पोल्यूशन नहीं था, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स नहीं थे, हेल्दी खाना मिलता था, फास्ट फूड नहीं था, सब कुछ इतना
अच्छा था उस समय में, इसलिए उनकी आयुष्य ज्यादा है। और आज के मनुष्य की आयुष्य कम है क्योंकि पोल्यूशन इतना है, पेस्टिसाइड्स वाला खाना है, फास्ट फूड है, तो नेचुरल है कि वो सब हमारी लाइफस्टाइल पर और मनुष्य के लाइफ में ना एक्सरसाइज है, टाइम नहीं मिलता है उसको, तो इसीलिए कुछ कर नहीं पाता है, ये सारे कारण बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य बात अगर देखा जाए तो आयुष्य कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कर्म, मनुष्य के कर्म इतने बुरे हो रहे हैं, वो उस कर्मों का फल को चुकतु करने के लिए उसको तुरंत तुरंत दूसरे जन्म लेने पड़ते हैं, तभी वो अपने कर्मों को सेटलमेंट कर सके, इसीलिए आयुष्य कम होने लगी। पहले के जमाने के लोगों के कर्म अच्छे थे तो उनके अंदर विल पावर था, आज के लोगों के कर्म बुरे हैं इसलिए उनका विल पावर इतना क्षीण हो गया, डिप्रेशन के शिकार ज्यादा हो रहे, नेगेटिव थिंकिंग इतना ज्यादा है, तो उसको अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना ही पड़ता है। इसीलिए अगर कोई आयुष्य ज्यादा हो गया, 70-80 तक जी गया, तो दूसरा जन्म 10-15 साल में मर जाता है, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है। एक जन्म में अगर आयुष्य बड़ी हुई तो दूसरे जन्म में बैलेंस कर लेता है कि 15 साल का बच्चा मर गया, 5 साल का बच्चा मर गया, 2 साल का बच्चा मर गया, इस तरह से बैलेंस कर लेता है। तो मनुष्य के कर्म बुरे होने के कारण अकाले मृत्यु आ गई, और अकाले मृत्यु होने के कारण उसकी आयुष्य भी कम। तो कलयुग के अंदर एवरेज लाइफ स्पेन 50-60 साल, जन्म बढ़ गए, 5000 साल का चक्र है तो हर युग 1250 साल का, इसलिए स्वास्तिक में चारों भाग एक समान दिखाए, और चारों भाग एक समान होने के कारण हर युग 1250 साल का, और 1250 साल का युग है, आयुष्य कम हुई तो जन्म बढ़ गए, सिंपल लॉजिक है। इसीलिए कलयुग के अंदर जन्म ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे द्वापर में जाओ कलयुग से कम है, क्योंकि वहां थोड़ा लाइफ स्पेन ज्यादा है, 80-90-100 साल तक जीता है इंसान, उससे ज्यादा लाइफ स्पेन त्रेता में है और ज्यादा कम हो गया 125 साल के आसपास। और सतयुग के अंदर जो देवताएं थे दिव्य आत्माएं होने कारण, कर्म बहुत श्रेष्ठ होने कारण, उनका लाइफ स्पेन 150 साल के आसपास। अब 1200 साल के युग में 150 साल की अगर लाइफ स्पेन हो तो जन्म कितने होंगे? बहुत कम, सिर्फ 8 जन्म। त्रेता युग में थोड़ी लाइफ स्पेन कम हुई, कला कम होने कारण थोड़ी लाइफ स्पेन कम हुई, 125 साल हो गया, इसलिए जन्म बढ़ गए 12 जन्म। द्वापर युग में 100 साल से नीचे हो गई, इसलिए जन्म बढ़ गए 21। और कलयुग के अंदर और ज्यादा लाइफ स्पेन कम हो गए, जन्म बढ़ गए 42, अकाले मृत्यु शुरू हो गई। सतयुग के अंदर जो 8 जन्म हमने कहा, ये 8 जन्म इतने श्रेष्ठ थे, इसीलिए श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाते हैं, जन्म अष्टमी, 8 जन्म इतने श्रेष्ठ, तो 8 जन्म की बर्थडे हम मनाते हैं। जन्म अष्टमी जब मनाते हैं तो वास्तव में श्री कृष्ण के 8 जन्म की जयंती मनाते हैं। वी सेलिब्रेट 8 बर्थ्स। इतनी वो प्योर आत्मा है ना? और सतयुग में इसलिए राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था।
अब द्वापर में लोगों ने कृष्ण का जन्म दिखा दिया कि कृष्ण ने जन्म लिया द्वापर में, लेकिन सोचने की बात है कि अगर उसका बड़ा स्वरूप सतयुग में हो तो छोटा स्वरूप द्वापर में कैसे आ गया। भक्ति मार्ग में एक भजन गाते हैं, कौन सा भजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नम वासुदेव, गाते हैं ना, ये सभी ने गाया होगा। उसमें श्री कृष्ण की पूरी जीवन बताई है कि बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना उसको गोविंद कहा, और बड़ा हुआ रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, वही जब राज गद्दी पर बैठता है इसको नाथ नारायण कहते हैं। तो अगर लक्ष्मी नारायण सतयुग के राजा रानी है, महाराजा महारानी है, तो कृष्ण कहां होना चाहिए, कृष्ण कहां होना चाहिए, द्वापर में होना चाहिए, सतयुग में होना चाहिए, सतयुग में ही होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का बचपन का स्वरूप राधे कृष्ण है, इसीलिए तो हम ये भजन गाते थे। लेकिन कितनी अज्ञानता है कि भजन गाने के बाद भी समझ में नहीं आया, है ना। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नमो वासुदेव, कि वही वासुदेव कृष्ण नाथ नारायण बनता है सतयुग के अंदर, तो उसका बचपन भी तो वही होगा, और इसीलिए आठ जन्म वहां और आठों जन्म इतने सुंदर, इसलिए आठों जन्म की जयंती मनाते, इसलिए जन्म अष्टमी कहा। हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं जन्म अष्टमी मनाते हुए कि हमें भी अपने कर्म इतने श्रेष्ठ करने चाहिए जो हमारे भी आठों जन्म इतने सुंदर हो। और फिर नौवे नंबर पर श्री राम आए, इसीलिए राम नवमी। भक्ति मार्ग में हर चीज इतनी परफेक्ट है लेकिन समझ नहीं है, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आठों जन्म की जयंती श्री कृष्ण की, नौवे नंबर पर श्री राम आए, इसलिए राम नवमी हो गए। और जैसे ही श्री राम की नवमी मनाने के बाद कि भाई नौवा नंबर भी इतना ही श्रेष्ठ था, श्री कृष्ण के साथ नौवे नंबर पर श्री राम की जयंती जब मनाए तो वो भी इतना ही उच्च क्वालिटी की आत्मा थी, फेल थोड़ी हो गई लेकिन फिर भी थे तो महान आत्मा, विशेष आत्मा, पवित्र आत्मा, इसलिए उसकी भी जयंती मनाते हैं भारत के अंदर। और फिर वहां 12 जन्म, तो 8 और 12 20, फिर 21 जन्म माना 41, और फिर 42 माना 83 जन्म। 84वां जन्म कहा, तो 84वां जन्म है संगम युग पर एक जन्म। और इसीलिए बाबा आकर कहते मैं तुझे 21 जन्म का वर्षा देता हूं। 21 जन्म का वर्षा इसलिए कहा कि संगम युग पर भी हमें बाबा का वर्षा मिलता है, सद्गुणों का, श्रेष्ठता का, पुरुषार्थ का, बाबा की श्रीमत का, ये वर्षा हमें संगम युग में भी मिलता है, क्योंकि 8 और 12 तो 20 हुए तो 21 जन्म कैसे हुए। तो संगम युग का ये एक जन्म है, इस एक जन्म में भी हमें बाबा का वर्षा सद्गुणों का, सर्वशक्तियों का, सर्व प्राप्तियों का, ये वर्षा अभी भी सर्व खजानों का हमें प्राप्त होता है। तो ये एक जन्म और सत्युग त्रेता के 20 जन्म माना 21 जन्म का वर्षा हमें भगवान से मिलता है, 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और फिर कर्मों की गुह्य गति, गीता के अंदर भगवान ने इसलिए अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन मैं तुझे कर्मों की गति समझाता हूं, कर्म अकर्म विकर्म।
कर्म अकर्म विकर्म किसको कहा जाता है और सुकर्म, चार प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म और सुकर्म, ये चार प्रकार के कर्म है। कर्म का मतलब है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म जो है यहां संगम युग पर परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर कर्म कैसे करना चाहिए, सद्गुणों के आधार पर कर्म कैसे करना चाहिए, तो उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। ये हमें संगम युग में भगवान आकर के सिखाते हैं। अकर्म, अकर्म का मतलब है सतयुग त्रेता युग का, संगम पर श्रेष्ठ कर्म, फिर सतयुग त्रेता युग में अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं कि वहां कर्म नहीं होते हैं, कर्म तो होते हैं, लेकिन जिस कर्म का फल नहीं होता है। भावार्थ ये कि मान लो आज मैंने धरनी में एक बीज बोया, अपने हाथों से मैंने बीज बोया, उसको रोज पानी देती रही, धूप मिलती रही, धीरे धीरे वो बीज में से पौधा निकला, पौधे से लेकर के धीरे धीरे वो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष के ऊपर फल लगा, वो फल तोड़ करके मैंने खाया, दोनों कर्म मैंने ही लिया, बीज बोने का कर्म भी, फल तोड़ के खाने का कर्म भी, दोनों कर्म में कोई अंतर है या नहीं है, क्या कहेंगे? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि उस एक बीज से मुझे 100 फल मिलेंगे। एक आम का बीज बोया, मुझे 100 आम खाने को मिलते हैं, हर सीजन में 100-100 आम मिलते हैं, है ना, हर सीजन में। इसलिए उसको श्रेष्ठ कर्म किया कि जो मुझे 100 फल दे सकता है, लेकिन जो फल तोड़ के मैंने खाया समाप्त हो गया, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन एंड दैट इज ओवर, संतुष्टि मिली खाने की और पूरा हुआ, उस फल खाने का दूसरा कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए उसको अकर्म कहा जाता है। अकर्म माना जिसका कोई फल नहीं है। तो बीज बोना श्रेष्ठ कर्म है, फल तोड़ के खाना ही अकर्म है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता। इसी तरह संगम युग में हम जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप सतयुग और त्रेता युग के जन्म मिलते हैं, लेकिन वहां जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कर कहा जाता, फल खाने वाला कर्म है, इसलिए उनका कोई दूसरा फल नहीं बनता है, उसका कोई दूसरा फल नहीं होता है। फिर लेकिन द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, कर्म अकर्म और सुकर्म, द्वापर युग में जैसे आत्मा आती है, संस्कार अच्छे हैं सतयुग त्रेता के, उस संस्कार के आधार पर अच्छा कर्म करना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं सुकर्म, माना सकारात्मक कर्म, अच्छा कर्म, पॉजिटिव कर्म होते हैं इनिशियली, क्योंकि संस्कार अच्छे हैं, आते ही एकदम कोई पापात्मा नहीं बन जाता है या पाप कर्म करने नहीं लग जाता है। द्वापर युग में भी हमारे कर्म अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसको सुकर्म कहा। जैसे कई बार मुरली में कहते हैं कि कई लोग जैसे धर्मशाला बनाते हैं, अच्छा कर्म है कि किसी को भी शेल्टर प्राप्त हो,
इसीलिए उसको दूसरे जन्म में अच्छा मकान मिलता है। कोई एजुकेशन में डोनेट करते हैं तो उसको दूसरे जन्म में बुद्धि अच्छी मिलती है। कोई हॉस्पिटल में डोनेट करता है उसको दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छी मिलती है। तो ये द्वापर युग के सुकर्म, अच्छे कर्म, लेकिन किया और भोगा, दूसरे जन्म में हमने प्राप्त कर लिया उसका फल। तो जिस तरह से संगम युग में किया और 21 जन्म हमें प्राप्त हुआ, द्वापर युग में जो कर्म के सुकर्म हमें एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है, दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाता है, इस तरह से उसका आता है। ऐसे जैसे कलयुग आ गया तो कलयुग में अधिकतर हमारे कर्म जो है विकर्म बनते गए। सुकर्म से धीरे धीरे विकर्म, विकर्म माना विकृत कर्म, विकृत विकृति आ गई, विकृति बढ़ती गई। विकृति बढ़ना माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये सारे जो कमी कमजोरी को लेकर के कर्म हुए उसको कहते विकृत कर्म। नेगेटिविटी ज्यादा, इसीलिए कहा मनुष्य जितना ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए उसकी भोगना के रूप में दुख, शांति, तनाव, ये सब भी बहुत ज्यादा हो गया है। कहा जाता है कलयुग के अंदर जाने अनजाने पन में भी पाप कर्म ज्यादा होते हैं। अब जान के तो मुझे पता है कि किसी को मैंने गाली दिया, बुरा थप्पड़ मारा, बुरा कर्म है। अनजानेपन के कर्म कौन से हैं? अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हैं? बैठा है मंदिर के बाहर, मेरे को उस पर दया आ गई, और दया आ गई तो इसलिए मैंने 100 रुपए के एक नोट निकाल करके उसको दान किया। लेकिन जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि वो कैसे यूज करने वाला है। अगर मान लो कि उस 100 रुपए से उसने एक चाकू खरीदा और उस चाकू से किसी का खून किया, तो ये जो उसने पाप कर्म किया, मैंने दिया तब किया, इसीलिए उसके पाप कर्म में मेरी पार्टनरशिप हो गई, भागीदारी हो गई। ये अनजानेपन के पाप कर्म, इसलिए कहा ना कलयुग में जाने अनजानेपन के बहुत पाप कर्म है। जान करके तो मुझे पता है कि मैंने कोई कर्म बुरा किया तो मुझे पता है बुरा कर्म है, पाप कर्म के खाते में गए। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म वो है कि मैंने सोचा मैंने दान किया, चलो मेरा तो पुण्य जमा हो गया, आई डोंट केयर, उसको जैसे यूज करना है वैसे करे, नहीं, हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। और इसीलिए उसने जो पाप किया उसमें जो पार्टनरशिप हो गई, तो उसका फल भोगने का समय आता है तो भी दोनों को मिलकर के भोगना पड़ता है। मिलकर के कैसे भोगते हैं? तो मान लो कि जैसे कई बार हम देखते हैं इंडिया में तो कि भाई ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, और ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं ना तो अप डाउन करने वाले बहुत होते हैं, शहर से गांव से लेकर के शहरों तक काम करने के लिए लोग जाते हैं। तो अप डाउन करने वाले जो होते हैं ना, ज्यादातर अप डाउन करते हैं, आधा घंटा शहर में पहुंच गए ट्रेन से, तो इन लोगों का एक ग्रुप होता है अप डाउन करने वालों का, वो इनकी यूनिटी बहुत होती है क्योंकि रोज के हो गए तो एक दूसरे से पहचान हो जाती है, और पहचान होने के कारण उनके आपस में एक ग्रुपिज्म हो जाती है। अब ये चढ़ते हैं ना तो इकट्ठा चढ़ते हैं, और क्या होता है कि रिजर्वेशन के डब्बे में चढ़ते हैं क्योंकि दिन के समय में रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है। इंडिया में ये सिस्टम है,
कि रात को आप ट्रेवल कर रहे हैं तो पूरा बर्थ आपका होता है, आप सोते हैं, लेकिन दिन के समय में कोई सोता नहीं है, बैठते हैं नेचुरली, उठ करके बैठेंगे तो बाकी का जो बर्थ है उस पर कोई भी आकर के बैठ सकता है। तो खास करके ये अप डाउन वाले होते हैं ना, वो उस बर्थ पर आकर बैठते, क्योंकि दिन में रिजर्वेशन नहीं होता है, और जिस व्यक्ति का रिजर्वेशन उसको तो वो सीट मिली हुई है, अनलेस एसी कोच होता है, एसी कोच में दूसरे लोग नहीं जा सकते, लेकिन स्लीपर कोच में कोई भी जा सकता है, क्योंकि स्लीपर कोच में दिन के समय में स्लीपिंग नहीं होता है, इसलिए कोई भी बैठ सकता है, रिजर्वेशन सीटिंग हो जाती है, स्लीपिंग नहीं होती है। तो ये जो ग्रुप वाले बैठते हैं ना, वो मौज मस्ती, एक दूसरे को हंसी मजाक सब कुछ करते हैं। मान लो कि आप भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप खड़े हैं, और जिस व्यक्ति की वो बर्थ थी उसने देखा आप सज्जन हैं, तो उसने कहा आप आइए इधर बैठो, उसने थोड़ा जगह करके आपको भी बिठा दिया, आपको लगता है ये व्यक्ति कितना अच्छा है, लेकिन इतने लोग खड़े थे उसमें से सिर्फ आपको ही क्यों उसने बुलाया, कुछ तो पार्टनरशिप है, इसीलिए हमको बुला करके बिठाता है, हमको लगता है, फिर हम परिचय करते, अच्छा कैसे हो, कहां से आए, क्या जहां जा रहे हैं, ऐसे बातचीत करना शुरू किया। अब जो है वो जो अप डाउन करने वाले चढ़ते हैं, वो आते ही क्या कहेंगे, चलो 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 चलो, हटो हटो हटो, बैठने दो बैठने दो बैठने दो, और उस समय वो व्यक्ति को मालूम नहीं था, जिसने आपको जगह दिया बैठने के लिए उसको पता नहीं होता, कई लोगों को पता नहीं होता कि दिन में स्लीपिंग कैंसल हो जाता है, सिटिंग हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, ये बर्थ हमारा है, यहाँ नहीं बैठ सकते हैं आप, वो कहते हैं क्या बोला आपने, और वहां झगड़ा चालू होता है, गाली गलौज चालू हो जाता है, कभी कभी मारपीट तक भी बात आ जाती है। अब जब मारपीट तक बात आती है, आपको लगता है ये व्यक्ति सही कह रहा है, उसका बर्थ है, उसने मेरे को बिठाया, लेकिन जरूरी नहीं कि इनको, लेकिन आपको भी मालूम नहीं कायदा क्या है ट्रेन का, आप बीच में बोलने जाते हैं, भाई क्या है, छोड़ो ना, बुजुर्ग है, छोड़ो आप, है ना, उनको लगता है आप उनके साथ है, वो उनको तो मारते ही मारते हैं, आपको भी मारते हैं, अब आप कहते मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, मैं तो खाली अच्छी बात बोलने गया, लेकिन आपको क्यों पीटा गया, आपको इसलिए पीटा गया क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट था उसका सेटलमेंट का टाइम आ गया, और सेटलमेंट का टाइम आ गया तो नेचुरल है वो उसको तो मारेंगे, आपको भी मारेंगे, आप कहेंगे मेरा तो कोई दोष ही नहीं था, लेकिन आप समझते हैं मेरा कोई दोष इस जन्म का नहीं, लेकिन कोई जन्म का तो था कार्मिक अकाउंट, तो सेटलमेंट का टाइम जब आया तो उसको सेटल तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कर्म से कोई भी इंसान छूट नहीं सकता है, सेटलमेंट करना ही पड़ता है, कभी दो व्यक्ति के बीच में सेटलमेंट होता है, कभी 10-12 के बीच में सेटलमेंट होता है, जैसे मान लो कि आज होटल में एक कसाई है, एक बुचर है, उसने एक जानवर को मारा और उसका मांस जो है होटल वाले को बेचा, अब बुचर जो था उसका तो कार्मिक अकाउंट हो गया, और वो होटल वाले ने खरीद लिया तो होटल वाला उसके अकाउंट के साथ जुड़ गया। अच्छा, उस होटल वाले ने वहां जाकर के शेफ को दिया, शेफ उसके साथ जुड़ जाता है, जितने शेफ बनाने वाले हैं उस आइटम को वो भी सारे जुड़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उस होटल में पार्टी है, तो पार्टी होने के कारण 50 लोग उस पार्टी में आते हैं, 50 लोग उस मांस को खाते हैं, तो बेचने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, कुक करने वाला और खाने वाला सब उस पार्टनरशिप में जुड़ गए, 50-60 लोग जुड़ गए। अब ये 50 लोग जो उस कार्मिक अकाउंट में जुड़े, अब उसका सेटलमेंट कैसे होता है, तो उसका सेटलमेंट करने का समय जब आता है ना, तब कोई ना कोई, मानो कई लोग जैसे बस करके यात्रा पर जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं,
पूरे बस भर के, 50 लोगों की बस भर के जा रहे। अब वही 50 लोग हैं जो उस कार्मिक अकाउंट में जुड़े हुए हैं। और जैसे ही बस जा रही है पहाड़ पर और अचानक कुछ बैलेंस ठीक नहीं हुआ, कोई गाड़ी आई, रास्ता देना पड़ा और ये बस जैसे ही साइड में करता है और वहां से लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड होते ही पूरा बस खाई में जाती है। अब जब पूरी बस खाई में जाती है तो हर एक को, किसी को हाथ में लगता है, किसी को यहां लगता है, किसी को पैर में लगता है, किसी को यहां लगता है, किसी को पेट में लगता है। जिस भाग को खाया है ना, जिस भाग को खाया था वही वही लगता है ये सेटलमेंट है ना। 50 लोग, आप कहेंगे कि ड्राइवर की मिस्टेक थी और 50 लोगों को भोगना पड़ा। ड्राइवर कौन था? वो बुच्चर, वो ड्राइवर बना था दूसरे जन्म में। और होटल वाला, वो बस को गाइड करने वाला, और वो सारे पैसेंजर थे, वो सारे उस होटल की पार्टी में जो खाने वाले थे। और इसीलिए हर एक को एक जगह ने, और उसमें से कई लोग ऐसे भी होते, एक दो व्यक्ति ऐसे भी जिनको एक खरोच तक नहीं आती है। तो जो उस अकाउंट में शामिल नहीं था, उसको इतनी ऊंचाई से खाई में गिरी बस, तो भी उसको एक खरोच तक नहीं आती है। ये कार्मिक सेटलमेंट है। कई बार हम देखते हैं, अच्छा ज्यादा लोग होते हैं तो ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन डीरेल हो गया, एक डब्बा डीरेल हो गया, डब्बे के अंदर 80-90 लोग थे, 90 लोग का डब्बा डीरेल हो करके पानी में गिरता है। तो पानी में ही क्यों गिरा? सारे लोग उसमें कैसे कैसे निकल करके बच करके, कई लोग मर भी गए, है ना। अच्छा और ज्यादा लोग होता है, फ्लाइट में जाते हैं 400-500 लोग इकट्ठे, और जो उस अकाउंट में नहीं थे उसकी फ्लाइट मिस हो गई। मिस क्यों हो गई? क्योंकि वो उस अकाउंट में शामिल ही नहीं थे। जो उस अकाउंट में शामिल ही नहीं थे तो वो ट्रेन मिस कर देता है, बस मिस कर देता है। ये है कार्मिक अकाउंट। इसलिए कहा जाता कर्म की गति अति गुह्य है, कर्म की गति अति गुह्य है। और जाने अनजाने पन में जो पाप कर्म हुआ है, उस पाप कर्म को सेटल तो करना ही पड़ता है। और जब वो योग बनता है, सभी इकट्ठे होने का योग, तब जाकर के उसका सेटलमेंट होता है। जरूरी नहीं इसी जन्म में हो, अगले जन्म में भी हो, 2-4 जन्म बाद भी हो, 5-10 जन्म बाद भी हो। इसीलिए व्यक्ति जब दुखी होता है तो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म मेरे सामने आए, कौन से जन्म का कर्म मेरे सामने आए। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर ये भोगना मुझे भोगनी पड़ रही, तो कौन से जन्म का कर्म मेरे सामने, कहते हैं ना। तो कर्म का फल हमें कैसे मिलता है? जैसे मान लो कि आपने मिर्ची का बीज बोया, तो 3 महीने में आपको फल मिलेगा। इसी तरह किसी सब्जी का बीज बो, 6 महीने में आपको फल मिलेगा। अनाज का बीज बो, गेहूं का, चावल का, 6-8 महीने में उसका फल मिल जाएगा। कोई फलों का डालो, चीकू, आम, 2 साल के बाद फल मिलना चालू हो जाएगा। और नारियल का बीज डालो, 10 साल के बाद फल मिलना चालू होता है। ठीक इसी तरह मनुष्य के भी जो कर्म है, कुछ कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, मालूम पड़ता है। फलाने के साथ मेरे से बुराई हो गई ना, देखो मिल गया फल, महसूस भी होता है। कुछ कर्म के बीज ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट जन्म में मिलता है,
कुछ कर्म के बीज ऐसे होते हैं दो चार पांच जन्म के बाद मिलता है, और कुछ कर्म के बीज ऐसे होते हैं जो 10 जन्म बाद भी मिल सकता है, 25 जन्म बाद भी मिल सकता है। इसीलिए कहा कि व्यक्ति जब दुखी होता है तो क्या कहता है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म आज मेरे सामने आया है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म। इसीलिए कर्म करते समय कई बार कई लोग सोचते हैं, अरे कोई भी कर्म करो, कौन देखने वाला है, कौन हिसाब रखने वाला है, क्या मालूम पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप करते जाओ। नहीं, हिसाब रहता है, हर आत्मा के अंदर कर्म का हिसाब है और उस अनुसार उसको चुप तो करना ही पड़ता है। तब कई बार कई लोग हमें प्रश्न करते हैं कि बहन जी, आज की दुनिया में तो देखा जाता है जो बुरा कर्म करने वाले हैं वो मौज कर रहे हैं, और अच्छा कर्म करने वाले हैं वो दुखी हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बुरा कर्म करने वाले मौज क्यों करते हैं और अच्छा कर्म करने वाले दुखी क्यों हो रहे हैं? वो एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कर्म कहानी याद आती है, और कहानी ये है कि एक बार दो व्यक्ति एक रास्ते से जा रहे थे, एक बड़ा बेईमान था और एक बड़ा ईमानदार था, दोनों को एक दूसरे को परिचय नहीं था, दोनों अपनी अपनी रीति से जा रहे थे रास्ते से। अचानक क्या हुआ, रास्ते के बीच में किसी का पर्स पड़ा था। अब दोनों ने देखा, बेईमान ने भी देखा, ईमानदार ने भी देखा। बेईमान ने क्या किया, तुरंत वो पर्स उठा लिया और उसको खोल करके देखा, 1000 रुपया पड़ा था उसके अंदर। अब 1000 रुपया देख करके उसने सोचा, मैंने अकेले तो नहीं देखा, इसने भी देखा, तो कहते है, देख भाई तूने भी देखा मैंने भी देखा, अब इसके अंदर 1000 रुपया है, ऐसा करते हैं हम आधा आधा बांट लेते हैं, 500 तू रख ले, 500 मैं रख लेता हूं। अब जो ईमानदार था उसने क्या कहा कि पता नहीं किसका पर्स गिरा होगा, हो सकता है आज उसका पगार हो, उसको ये 1000 रुपए की बहुत जरूरत हो, उसमें उसका एड्रेस कार्ड आदि कुछ होगा, अगर हम उसको दे देंगे कितना खुश हो जाएगा, दुआ देगा। तो बेईमान क्या कहता है, इसमें पहली बात एड्रेस कार्ड तो है ही नहीं, इससे पता ही नहीं किसका गिरा है, लेकिन अगर एड्रेस कार्ड होता था ना तो भी मैं देने जाने वाला नहीं था। बोला क्यों? कहा अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से और कोई गया नहीं, हम ही पहला नंबर है, इसलिए ये अपने नसीब में है, इसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ईमानदार कहता है मुझे तो नहीं चाहिए। कहा कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा, पूरा 1000 रखने के लिए भी तैयार। बेईमान जो है उसने अपने पास रख लिया। फिर दोनों बात करने लगे कि देखो उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और अगर हम अगर उसको देने भी जाए कहां भटकते रहेंगे इतना, हमें और कोई काम नहीं है क्या, जो उसके पीछे हम उसके पर्स के पीछे उसको संभालना चाहिए था, अच्छी तरह से अपना पर्स ध्यान रखना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए था। अच्छा उसने उसको हम नहीं देने जा सकते, हम पुलिस वालों को दे देते हैं और पुलिस वाले उसको दे देंगे। का पुलिस वाले अगर उसके नसीब में ही नहीं है, पुलिस वाले आपस में मिलके खा लेंगे, क्या पता चलेगा, इसलिए मैं तो पुलिस वाला खाए उसे मैं ही नहीं खाऊं। इसलिए वो पूरा 1000 रुपये अपने पास रख लेता है। अब थोड़ी आगे चले, बातें करते करते जैसे आगे जा रहे थे कि अचानक जो ईमानदार था ना उसके पैर में कांटा लगा, बहुत जोर से अंदर घुस गया, खून निकलने लगा। तो बेईमान क्या कहता है, देखा बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना इसीलिए कांटा चुभता है,
बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करेगा, पैसा मिलेगा। ये ईमानदारी का जीवन जो है ना, ये कांटा ही देता है। अब कुछ देवताएं शाम के समय में वहां से गुजर रहे थे। देवताओं ने ये बात सुनी, कहते ना शाम के समय में देवताएं भ्रमण करते हैं, तो देवताओं ने, एंजल्स ने वो बात सुनी। सबने कहा ये तो गलत बात है, चलो हम चलते हैं भगवान के पास। तो वो सारे देवताएं भगवान के पास गए, वो एंजल्स भगवान के पास गए और भगवान को कहा कि बड़ा बुरा हो रहा है भगवान। भगवान ने कहा क्या बुरा हो रहा है? कहा नीचे पृथ्वी लोक में बुरा हो रहा है, बेईमान मौज कर रहा है, ईमानदार को कांटे लग रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा नहीं देखो, तो देवताओं ने, वो एंजल्स ने दिखाया कि दोनों व्यक्ति जो है, इसमें ये व्यक्ति है ना बड़ा बेईमान है और ये है ना बड़ा ईमानदार है, लेकिन ये बेईमान जो है उसको पर्स मिला, 1000 रुपया मिल गया, और ये बेईमान जो है, ईमानदार जो है उसको कांटा लगा। तो भगवान के घर में भी अभी न्याय नहीं हो रहा है। भगवान कहते ऐसे कहा, ऐसे तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बुलाता हूं चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त सबका अकाउंट रखता है ना, तो चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त को बुलाकर कहा ये दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेके आओ। तो चित्रगुप्त दोनों का अकाउंट लेकर के आया और जैसे ही अकाउंट देखा तो क्या देखा कि जो ईमानदार था ना पहले बड़ा बेईमान था, और जो बेईमान था ना वो पहले बड़ा ईमानदार था। लेकिन भगवान इमीडिएट फल तो नहीं देता है किसी को, क्योंकि भगवान हमेशा एक अपॉर्चुनिटी जरूर देता है सुधरने का। बुरे व्यक्ति को सुधरने की अपॉर्चुनिटी देते और जो अच्छे हैं उसकी अच्छाई को मेंटेन करने के लिए भी उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब जो अच्छा था, ईमानदार था, उसकी लास्ट परीक्षा थी। भगवान टेस्ट तो लेते हैं ना, परीक्षा तो लेते हैं, तो टेस्ट ले रहे थे, उसमें जो है लास्ट टेस्ट उसकी थी। उसके बाद उसको, उसने जो अच्छे कर्म किए थे उसको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, लाखों करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन वो देने से पहले लास्ट टेस्ट उसकी लिया कि देखे ये उसकी ईमानदारी रखता है या छोड़ देता है। और वो इतना इंपेशेंट हो गया और उसने अपनी ईमानदारी छोड़ दिया, बेईमान बन गया, और बेईमान बन करके इतना करप्ट हो गया, लोगों को बुरा करने लगा सबको, और जो उसको प्राप्ति होने वाली थी लाखों करोड़ों की, वो सब धीरे धीरे बुरे कर्म करने के कारण वो क्षीण होते 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 खाली 1000 रुपया, इतना ही उसका अभी बाकी था हिसाब, जो उसको मिल गया और बड़ा खुश हो गया। लेकिन उसके भाग्य में क्या था? उसके भाग्य में लाखों करोड़ों था, लेकिन 1000 रुपया में खुश, वो पहले बड़ा बेईमान था। उसकी बेईमानी के स्वरूप उसको इतना दुख, दर्द, कष्ट मिलने वाला था, लेकिन उसकी भी लास्ट टेस्ट लिया कि देखिए उसको भी एक अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दिया सुधरने की, और सचमुच वो सुधर गया बेईमानी से ईमानदार के रास्ते पर, और इतने अच्छे कर्म करने लगे कि उसके सारी जो भोगनाएं थी धीरे 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 कम होते होते खाली एक कांटा लगने जितना रह गया था अकाउंट। इसलिए कहावत है सूली से कांटा। सूली जितनी दर्दनाक भोगना थी, सूली जितनी, लेकिन खाली कांटा जितनी रह गई, क्योंकि उसने अच्छे कर्म कर करके उसको सबको समाप्त किया, सेटल कर दिया। अब कांटे जितना रहा वो कांटा, तो उसको अब हिसाब उसका पूरा हुआ। अब ईमानदारी जो थी ये जन्म की, उसका फल तो बाकी है ना,
जो अच्छे कर्म किए उसने, उस अच्छे कर्म का फल तो भी अब मिलेगा। इसलिए ये नहीं कि बुरा करने वाला मौज करता है, अच्छा करने वाला दुखी होता है, नहीं, वो उसके लास्ट भोगना है, उसके बाद का फल जो होगा बहुत अच्छा होगा। हम खाली प्रेजेंट को देख रहे हैं और प्रेजेंट को देख करके कभी कभी हम जजमेंट दे, अरे देखो ना, अच्छा कर्म करने के बाद भी दुखी होता है। लेकिन नहीं, ये दुख उसको अच्छे कर्म का नहीं मिल रहा है, कोई बुरे कर्म का फल उसको सेटल कर रहा है, अभी अच्छे कर्म का तो उसको आगे मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलेगा। और जो बुराई कर रहा है, मौज कर रहा है, ये मौज जो कर रहा है उसके कोई अच्छे कर्मों का फल जो बाकी है वो उसको मिल रहा है, और जो बुरा कर्म है उसका तो बाकी अभी आगे मिलने वाला है। इसीलिए इमीडिएट प्रेजेंट को देख करके ये डिसीजन नहीं लो, इमीडिएट प्रेजेंट को देख करके ये डिसीजन नहीं लेना होता है कि हाँ बुरे कर्म करने वाला मौज करता है, अच्छे कर्म करने वाला दुखी होता है, नहीं है ना। लेकिन हाँ, मनुष्य जैसा, इसीलिए कहा ये चार प्रकार के कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अकर्म, सुकर्म और विकर्म, ये चार प्रकार के कर्म चार युग में, सतयुग में, सतयुग त्रेता युग में अकर्म कोई फल नहीं मिलता है, जो फल है श्रेष्ठ कर्म का संगम युग पर जो किया हुआ है उसका श्रेष्ठ फल का फल हम खा रहे हैं, अच्छे से भोग रहे हैं, पूरा दो युग तक, 2500 वर्ष तक उसको भोगते हैं। फिर द्वापर युग में सुकर्म होते हैं क्योंकि संस्कार अच्छे हैं इसलिए, और फिर कलयुग में जाने अनजाने पन में पाप कर्म बहुत होता है, और इसीलिए जब पाप कर्म बहुत होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भगवान प्रेरणा देता है कि बच्चे अब श्रेष्ठ कर्म करो, है ना। तो जिस तरह देखता है सैंड की क्वालिटी या जो मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी क्या है उसको देखता है, फिर उस मिट्टी के क्वालिटी के हिसाब से बीज बोता है, फिर उसके बाद देखता है पानी क्षार वाला है, पानी अच्छा है नहीं है, फिर धूप कितना है, डेजर्ट एरिया है या बहुत ज्यादा धूप है या कम धूप है, छन के आ रही है नहीं आ रही है, तो धूप देखेगा, पानी देखेगा, धरनी देखेगा, उस हिसाब से बीज बोएगा, और फिर उसके ऊपर खाद भी अच्छी खाद ताकि उसको, और लास्ट लग जाए उसका ध्यान रखता है, तब जाकर के हमें अच्छे फल मिलते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जब भी कर्म करे तो ये जीवन रूपी धरनी है, इस जीवन रूपी धरनी में कर्म रूपी बीज है, तो धरनी अच्छी होनी चाहिए। धरनी माना चरित्रवान जीवन रूपी धरनी, उच्च क्वालिटी की जीवन उसको कहा जाता है, धरनी बहुत ऊंची क्वालिटी की है, उसमें अच्छे कर्म का बीज, ये बीज है कर्म। फिर धूप है परमात्मा, जो ज्ञान सूर्य है, उस सूर्य की धूप लेते जाओ, यानी उसकी शक्ति लेते जाओ ताकि अच्छे कर्म आपसे हो। फिर पानी से उसको नरिशमेंट मिलता है, तो पानी यानी ज्ञान अमृत, ये अमृत से उसको नरिश करते जाओ। रोज मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली सुन सुन करके नरिशमेंट मिलता है अच्छे कर्म करने के लिए, या वो अच्छे कर्मों को भी और बल मिलता है। और फिर उसको ध्यान रखना है कीड़ा ना लग जाए, कीड़ा कौन सा है, अहंकार का कीड़ा नहीं लगना चाहिए। कई बार कई लोग अच्छे कर्म करते हैं ना, अच्छे कर्म का भी अभिमान आ जाता है, माना अच्छे कर्म किया उसका अभिमान अगर आ गया तो उसको कीड़ा लग गया, कितना भी अच्छा फल हो काटो अंदर से कीड़ा निकला तो क्या करेंगे, फेंक देंगे,
इसीलिए आज की दुनिया के अंदर अहंकार वाले व्यक्ति भले कितने अच्छे कर्म करता है लेकिन कोई उसको एडमायर नहीं करता है या कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता। अरे बहुत अभिमान है, अभिमान को सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये अच्छे कर्म करके दिखाता है, ये दिखावा है, तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कीड़ा लग गया उसको, या संग का रंग, बुरे संग का रंग लग जाता है। कई बार कहीं बहुत कमा लिया, बहुत पैसा आ गया तो जुआ खेलना चालू करते हैं, कसीनो में जाना शुरू कर, बुरा कर्म शुरू हो गया, बुरी संगत में आ गया, और जैसे ही बुरी संगत में आ गया तो सारा पैसा क्या होता है, उसका सुख नहीं ले सकता है। संग का रंग उसको खराब कर देता है, उस फल को खराब कर दिया, तो वो भी लोग पसंद नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने के बाद संग का रंग नहीं लगना चाहिए, बुरे संग का रंग नहीं लगना चाहिए, उसका ध्यान रखना है, और अहंकार का कीड़ा नहीं लगना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये है कर्मों की कोई गति, ये है कर्मों की कोई गति। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना, और अच्छे कर्म करते हुए उसका अभिमान कभी ना करना। इसीलिए बाबा हमेशा मुरली में रोज हमें कहते हैं, बच्चे देह अभिमान नहीं आना चाहिए, अच्छे कर्म का भी अभिमान कभी नहीं करो, तो कर्म श्रेष्ठ स्वतः होने लगेगा। तो ये है कर्म की कोई गति। कोई प्रश्न हो आपका फिर भी तो पूछ सकते हैं, वैसे तो काफी क्लियर किया है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं हमें हमारा ये प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो पूछ सकते हैं आप। ओम शांति दीदी। वैसे तो समय की सीमा है और आपके भी समय की सीमा है और काफी काफी लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन अगर मैं सारे प्रश्नों को रैप अप करूं तो सबका मुख्य यही प्रश्न है कि जब हमारे त्रेता युग में जब 2 लाख की संख्या थी बिगिनिंग में, तो इतने लोग आज 3 लाख से भी ज्यादा, 400,000 पीपल आर टेकिंग बर्थ एवरी डे, तो इतने सारे आत्माओं का जन्म होना इट्स अ बिग डिफरेंस, तो वो दे कैन नॉट रैप देयर माइंड अराउंड इट। ऐसा है कि देखो त्रेता युग के बिगिनिंग में 2 करोड़ हो गए, त्रेता युग के अंत में 33 करोड़ हो गए। अब 33 करोड़ जो है वो मल्टीप्लाई तो होगा कि नहीं, और उसके बाद जो है पहले के जमाने में द्वापर युग में आप देखो, आपके जो दादा दादी होंगे ना वो हमेशा कहते थे कि 10 बच्चे थे, तो उस समय पैदाइश इतनी थी, एक एक को 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे। हाँ, आप अपने पूर्वजों को देखेंगे ना, अपने माता पिता को देखेंगे आप, तो देखेंगे कि उन लोगों के भाई कितने भाई बहन थे, तो कहते हम 12 भाई बहन थे तो भी बहुत सुख से रहते थे, कहते हैं ना, तो थे। बीच में ऐसा काल आ गया कि वो समझते थे कि भाई खूब पैदाइश करो, आज 1 या 2 की पैदाइश हो गई। अगर आज के रेशियो के हिसाब से देखें तो हमको यह सवाल जरूर आता है कि इतना पॉपुलेशन वृद्धि कैसे हुआ, लेकिन आप अगर अपने दादाओं को देखो और उनकी फैमिली को अगर देखो तो वो कहेंगे भाई हम 10 भाई बहने थे, 12 भाई बहने थे, फिर भी हम इतना हारमोनी में रहते थे, कहते हैं आज तक आपको कहानी सुनाते हैं। तो वो दादा लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे उस समय, तो इसीलिए पॉपुलेशन तो बढ़ना ही था। और दीदी ये लोग, ये जो 9/11 हुआ, हाँ, तो क्या जितनों ने शरीर छोड़ा सबके भागीदारी के कर्म थे, किसी का प्रश्न है? हाँ डेफिनेटली, तभी आप देखेंगे कि 9/11 में भी कुछ लोग थे, कहते हम रोज एक्यूरेट टाइम पर जाते थे लेकिन उस दिन हम लेट हो गए। हमें अपने बच्चों को एक जगह पढ़ा तो अपने बच्चों को वो छोड़ने गया स्कूल, इसीलिए उसको 10 मिनट लेट हुआ। एक व्यक्ति ऊपर था
लेकिन कहा कि उस दिन उसके ऑफिस में सबको जो नाश्ता कराने का होता था मेरा टर्न था, और इसीलिए मैं नीचे जाकर के मैकडोनल्ड से ले रहा था फूड, नाश्ते का ब्रेकफास्ट ले रहा था सबके लिए, लेने गया था और ये हुआ। तो ये सब भागीदारी में जो होता है ना, तभी वो इकट्ठे होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, ये भागीदारी के। अच्छा, किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा ने कहा है कि ड्रामा को याद करो तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कहते जब परिस्थिति आती है और ड्रामा को याद करने का ट्राई भी करते हैं लेकिन फिर भी इतनी स्थिति स्थिर नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, और कर्म कॉन्शियस होने के कारण जो ज्ञान का, ज्ञान की जो स्टेज होनी चाहिए वो हमने क्रिएट नहीं किया है, और इसीलिए कर्म कॉन्शियस होने के कारण वो अपहीवल्स में ले आएंगे व्यक्ति को। इसीलिए बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनो। सोल कॉन्शियस बनने से आप धरनी भी अच्छी बनाएंगे, हाँ, और ही जो है पानी धूप ये सब ये हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तारा देव ने पूछा है कि भाई डायनासोर्स क्या हुआ। ऐसा है, डायनासोर्स जो थे ना, जैसे अमेरिका की हिस्ट्री को अगर देखा जाए, अफ्रीका की हिस्ट्री को अगर देखा जाए, 500 साल से ऊपर हिस्ट्री नहीं है। ये देश 500, 600, 700 साल पहले ढूंढे गए, और उस समय वहां आबादी बहुत कम थी, और इसीलिए वहां पर ये डायनासोर्स हो सकते हैं। लेकिन भारत में जहां पर सत्ययुग और त्रेतायुग, बाबा इसलिए कहते सत्ययुग और त्रेतायुग का काल खाली भारत में था, बाकी जमीन पर नहीं था, और द्वापर युग में ये जो सारे कंट्रीज शिफ्ट हो गए, कॉन्टिनेंट्स बन गए और अलग हो गए, भारत से अलग हो गए, तो जो अलग होकर के कॉन्टिनेंट, तो वहां कोई निवास ही नहीं करता था, तो उन स्थानों पर डायनासोर्स, क्योंकि उस स्थानों पर जो जानवर थे उनको अच्छी तरह से खाना पीना सब कुछ मिलता था, इतना ग्रीनरी थी, सब कुछ था, वहां कोई मनुष्य तो थे नहीं जो उसका शिकार करे, तो बड़े बड़े काया में ये बढ़ गए, बड़ी बड़ी काया वाले भी हुए, जिसको डायनासोर्स लोगों ने कहा, है ना। इसीलिए इनके जो अवशेष मिलते हैं ना, इनके जो स्केलेटन या उसका जो शेप आदि मिलता है, वो अफ्रीका में ज्यादा मिलता है, अमेरिका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है कहीं भी। डायनासोर्स है ही नहीं इंडिया में, उसके कोई स्केलेटन या कोई भी नहीं मिलता है। तो वो द्वापर युग के बिगिनिंग में, द्वापर युग के बिगिनिंग में जब ये कॉन्टिनेंट्स एकदम खाली थे, उस समय वहां पर जो है डायनासोर्स थे, लेकिन जैसे ही मनुष्य बस्ती वहां पहुंची ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए। आपके बहुत लोगों के क्वेश्चंस है कि दीदी की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी, अनुभूति में भी पोस्ट हो जाएगी, और हंसा बहन भी आपको पर्सनली पोस्ट कर देंगे, आपको सेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी दीदी की। ओके, ओम शांति। हंसा बहन, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? या एक प्रश्न था जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, तो कहते हैं कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, अब हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारा पुरुषार्थ सतो प्रधान है या सतो है, क्योंकि रजो प्रधान तो है नहीं ना, अभी तो बाबा के बन गए। तो ऐसा है कि अपने संस्कारों से पता चलता है, व्यक्ति के जितने सात्विक संस्कार है तो उसके कर्म सतो प्रधान होंगे, व्यक्ति के जितने राजसिक संस्कार है उतना उसके संस्कार के आधार पर उसके कर्म वहां तक। इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे अभी तमो स्टेज में ही है या रजो तक पहुंचे हैं, सतो तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि संस्कार ऐसे, वो दिव्य संस्कार जो जागृत करने हैं। तो जितना पुरुषार्थ में हमारे संस्कारों का दिव्यकरण होता है, डिविनाइजेशन होता है, तो ये डिविनाइजेशन से ही हमारे
कर्म से पता चलता है कि हाँ हम सत्ययुग त्रेता युग की स्टेज तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। सत्ययुग त्रेता युग स्टेज तक पहुंचने के लिए वो कर्म जो है जहां कोई अपेक्षा नहीं होती है, रजो कर्म उसको कहते हैं, मैंने ये कर्म अच्छा किया उसका फल मुझे मिलना चाहिए, हाँ कोई रिकग्नाइज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई मुझे सम्मान देना चाहिए, ये रजो वाले कर्म है। लेकिन सतो वाले कर्मों में नो एक्सपेक्टेशंस, जहां कर्म किया नेकी कर दरिया में डालो, इस तरह के कर्म अच्छा किया छोड़ दो, उसका अपेक्षा नहीं रखो, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, यहां फल हम क्यों लेना चाहते हैं, अगर यहां फल किसी ने सम्मान भी दे दिया तो वो फिर फल फिर जमा नहीं हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो सात्विक कर्म है, सतो प्रधान स्टेज के कर्म है, वहां कोई भी अपेक्षा नहीं होती है, उसको कहते सात्विक, क्योंकि सतयुग में कोई किसी से अपेक्षा नहीं रखता है। ड्रामा का ज्ञान जो है वो कभी नेक्स्ट टाइम रखेंगे हंसाबेन, उस समय ही हम क्लियर करेंगे ड्रामा की बात को लेकर के। लेकिन अभी जो कहा किसी ने कि भाई हमारे फैमिली मेंबर्स को मैं ज्ञान सुनाने के लिए ड्रामा की बात सुनाती हूँ, तो वो एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रामा जो है ये बाबा ने एक सीक्रेट हमें रिवील किया है, और ये सीक्रेट हमें बाबा ने क्यों बताया है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए जब आप किसी को भी समझाते हो तो इस पॉइंट को पहले नहीं समझाना है, पहले आप आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, वैल्यूज का ज्ञान दो, अच्छे कर्म आप अपने जीवन को चेंज करके दिखाओ, जिससे उनको खुद को मन हो कि आपने ऐसा क्या जीवन के अंदर पाया है जो आपका जीवन इतना सुंदर हो गया। बाकी ड्रामा का ज्ञान लास्ट में आता है देने के लिए, क्योंकि एक सीक्रेट है हमारे लिए है, जहां भगवान ने हमें सीक्रेट बताई है, इसलिए उसको अप्लाई हमें करके आगे चलना है और बढ़ना है, है ना? उनके लिए जो ज्ञान है वो आत्मा परमात्मा, आप जो लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज में भी आप है ना उनको स्वीकार हो, ऐसी बातें पहले वो जो देखना चाहते हैं उसको पहले चलाओ। आप इतना ज्यादा और चीजों को एडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उनको वो चीज कभी कभी हर्ट होती है, इसीलिए जो है आप जीवन इतनी अच्छी बनाओ, आपका व्यवहार इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि बाबा का ज्ञान व्यवहार कुशल बनाता है। कई लोग धारणाओं को एडॉप्ट करते हैं, व्यवहार में चेंज नहीं है, आप व्यवहार अपना बहुत अच्छा बनाओ। बाबा ने हमें ये कहा है, आपका व्यवहार जितना दूसरों के साथ बहुत स्वीट होगा, मधुर होगा, तो जो है वो एक्सेप्ट सहजता से करेंगे, लेकिन अगर आपका व्यवहार रफ है और जो है आप अपने धारणाओं में बहुत पक्के होने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबरदस्ती से सब स्वीकार कर रहे हैं और उनको भी स्वीकार कराने के प्रयत्न में रहते हैं, तब वो एक्सेप्ट, तब उनको फोर्स लगता है या वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन आप अपना व्यवहार इतना सुंदर करो, बाबा के ज्ञान के हिसाब से जो बाबा ने कहा मधुरता नम्रता, ये सब चीजें अपने व्यवहार में ले आओ, तो नेचुरल है कि वो फिर खुद सामने से होकर के आपको पूछेंगे कि आपने ऐसी क्या बातें सीखी है हमें भी बताओ, फिर आप कोई भी ज्ञान की बात बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति उषा दीदी, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू जी, रियल सरस्वती। अरे नहीं बाबा, फ्लोइंग है ना, सो मच कि आपने हम सबको इतना दिया इतना दिया इतना दिया, मम्मा की याद आ जाती है। थैंक यू, और सबको भी थैंक यू बाबा, जिसको भी मैसेज मिला सभी आए, तो थैंक यू एलए सेंटर, थैंक यू सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को अनुभूति, और आप जहां से भी आए हैं,
तो फर्दर प्रोग्राम के लिए उनको आप कांटेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक सेंटर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति, थैंक यू।